हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है 9th of Jan 2023। इस साल का मेरा फर्स्ट व्लॉग, और सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आपके लिए बहुत 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 अच्छा हो, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। मैं यही प्रे करती हूँ। और एक्चुअली मैं व्लॉग 31 को भी बनाने वाली थी न्यू ईयर के लिए, बट मैंने नहीं बनाया क्योंकि हमारा प्लान था कहीं जाने का, वो कैंसिल हो गया। तो फिर मैंने इसलिए व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं घर में ही थी, तो मैंने सोचा क्या बनाऊंगी और ऐसे आप भी बोर हो जाओगी वेली, तो फिर मैंने नहीं बनाया इसलिए। तो आज हम जा रहे हैं मामू के घर। जैसे हम पूजा दी के घर पे गए थे, उनका बेबी हुआ था सबार लेके, तो वैसे ही हम मामू के घर भी जा रहे हैं। उनके घर में भी एक छोटू सा बेबी हुआ है, तो वहीं एक छोटू सा गेट टुगेदर है, तो हम सब वहीं जा रहे हैं। तो फिर आज मैं आपको सब दिखाने वाली हूँ आज का डे कैसा रहता है। तो फिर मेरे व्लॉग को एंड तक देखना और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। तो फिर अब मैं आपसे आगे मिलूँगी। अब हम जाने वाले हैं थोड़ी देर में, और मम्मा यहाँ पर शॉप खोल रहे हैं, कुछ सामान लेना है। और पूजा दी हमारे साथ नहीं आए क्योंकि उनका बेबी छोटा है ना, इसलिए फिर वो हमारे साथ नहीं आ पाएंगे। और फिर देखते हैं हम थोड़ी देर में। ये वाला कलर अच्छा है दीदी, ये वाला मैं यही बोल रही थी पहले भी लेने के लिए। ठीक है, ये अच्छा है। अब हम जा रहे हैं और शॉप क्लोज भी कर रहे हैं मम्मा, तो फिर अब मैं आपसे वहीं पे मिलूंगी। छैला से थोड़ा आगे पेट्रोल पंप है, बट हमें वहाँ पे पेट्रोल मिला ही नहीं, तो फिर हमें यहाँ पे आना पड़ा। सो गाइस, हम मामू के घर पहुँच गए हैं, तो फिर अंदर चलते हैं। गाइज़, यहाँ पर निशा दी और मामी बना रहे हैं सिड्डू, और सब लोग अपने काम में बिज़ी है, और सब लोग भी बैठे हैं। यहाँ पे मम्मा है, और यहाँ पे मैं और दी। यहाँ हम सब बैठ के गप्पे मार रहे हैं, मासी है और मेरी कजिन्स है, तो फिर काफी टाइम बाद मिली है, तो फिर गप्पे चल रही है। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं खाना खाने, और यहाँ पर ठीक है।
सो गाइस आज है नेक्स्ट डे और कल जब हम घर पहुंचना तो काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने कोई शूट नहीं करा, थक भी गए थे बहुत। तो फिर आज मैं शूट कर रही हूँ और अभी मैं शॉप जा रही हूँ, तो मुझे याद आया कि मेरे कुछ एक सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मेरे प्रीवियस व्लॉग्स देखे थे जो मैंने शॉप का एक व्लॉग बनाया था। तो फिर उनमें से किसी ने मुझसे पूछा था कि उन्हें फेरन देखना है, तो फिर अभी मैं आपको वही दिखाने वाली हूँ और मैं प्राइस भी बताऊँगी आपको। तो फिर चलते हैं शॉप और फिर देखते हैं। लाइट नहीं है, लाइट चली गई है, तो फिर जब लाइट आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे अभी भी दिख रहा है बट बाद में ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, तो फिर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। सो गाइस मम्मा और दी यहाँ बैठे हैं, ये धूप सेक रहे हैं, तो फिर अब मैं भी थोड़ी धूप सेक लेती हूँ, फिर जब लाइट आएगी ना तो मैं फिर आपको दिखाऊँगी। गाइस लाइट आ गई है, अब मैं आपको दिखाती हूँ फेरन, और कुछ एक जैकेट्स भी न्यू आए हैं तो मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। सो ये यहाँ पर जैकेट्स है जिन्हें आस्पिट भी कहते हैं, और ये अलग अलग यहाँ पर लगे हैं, ये यहाँ पर ब्लैक कलर में है, बिल्कुल सॉफ्ट है। ये वाले जैकेट्स न्यू आए थे और ये सारे सेल हो गए हैं, बस ये एक लास्ट पीस बचा है। मुझे बहुत पसंद आया था, मुझे भी लेना था बट तो इसमें मेरा साइज़ नहीं था, ये बस एक ही साइज़ बचा है और इसमें अभी और भी आएंगे न्यू। और इसमें ना एक ये वाला है, ये 32 साइज़ है जो कि मुझे नहीं आता है तो फिर मैंने नहीं लिया। सो यहाँ पर आपको वूल भी मिल जाएगी और इसमें बहुत सारे कलर्स है और ये बहुत अच्छा और मतलब इतना सॉफ्ट है, अगर आप इसको टच करोगे ना तो बहुत ही अच्छी मुझे ये वूल लगी। और इसमें बहुत सारे कलर्स है, कुछ एक यहाँ भी लगाए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो बहुत सारे कलर्स इसमें मिल जाएंगे, आप चाहो तो ले सकते हो। और इसका प्राइस है 30, और ये ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसका इसकी आप कोई कार्डिगन या फिर स्वेटर या फिर सॉक्स भी बनाते हो ना तो बहुत सॉफ्ट बनता है। सो गाइस कुछ ही कलर्स बाहर भी लगे हैं तो मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हो इसमें पिंक कलर है और रेड है, ब्लू है, ब्राउन है, येलो मस्टर्ड है और नेवी ब्लू है, बहुत से कलर्स हैं इसमें। सो गाइज ये कुछ एक फेरन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और इसमें ना ये 5-6 पीसेज ही बचे हैं और सारे सेल हो गए हैं, तो मैं आपको ये दिखाती हूँ जो मैं ये वाला आपको दिखा रही हूँ। इसमें ना पूरे में वर्क है और ये आपको पड़ेगा 1400 में। मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ, दीदी एक बार लगा दूँ। ये कुछ इस तरह से है, इसमें आपको पूरे में वर्क मिलेगा और इसमें ये वाला कलर भी है येलो, ये भी सेम ऐसे ही है। और जो ये वाला है ये पड़ेगा 1100 का, सिंपल है, इसमें पूरे में वर्क नहीं है। तो इसमें अब इतने ही पीसेस बचे हैं और सारे सेल हो गए हैं, और एक ये वाला कलर भी है। और ये यहाँ पे ब्लैक और मस्टर्ड कलर है, हाँ, और ये वाला कलर भी है। और यहाँ पे स्टॉल भी है, ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। कल दी ने भी लिया था तो मुझे वो कलर बहुत पसंद आया था। इसमें ये कलर है रेड और
और ये वाले भी कलर हैं और इसका प्राइस है 550। और यहाँ पर डाटू लगे हैं, ये मैंने आपको पहले के ब्लॉग्स में भी दिखाए हैं, तो अगर न्यू आएंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये वाले तो मैंने पहले भी आपको दिखाए हैं, सेम वही है। और जो आप यहाँ देख रहे हो ना, ये विंटर वाले बोल सकते हैं इसे, क्योंकि ये ना मतलब इन डाटू से ये थोड़े से मोटे हैं, तो फिर ये कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, बहुत से लोग हैं जो पूछते रहते हैं कि आपकी शॉप कहाँ पर है, क्योंकि उन्हें विज़िट करना होता है तो पता भी नहीं चलता है। तो फिर जो एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि शॉप कहाँ पर है। तो मैं बाहर से आपको दिखाती हूँ पूरी लोकेशन जो भी है, तो मैं बाहर जाती हूँ। सो गाइज़, जो हमारी शॉप है वो मेन बाज़ार छैला में है, और ये जो रोड जा रहा है, ये जा रहा है कोटखाई गुम्मा के लिए। और यहाँ सामने एक मंदिर है शालिग्राम भगवान का। सो इसके साथ में ही हमारी शॉप है वर्मा एंटरप्राइजेस। तो मैं आपको ना पास से वहाँ से दिखाती हूँ। सो गाइज़, ये है हमारी शॉप वर्मा एंटरप्राइजेस, आप देख सकते हो। ये जो नीचे मंदिर आप देख रहे हो, इसके साथ में यहीं पे है, और वहाँ पे है मम्मा दी। यहाँ पर ना हमारे मीटर लग रहा है ना शॉप में, तो इसलिए वो वहाँ पर खड़े और देख रहे हैं। आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और शॉप में अगर न्यू डाटू फेरिन और जैकेट कुछ भी न्यू आएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।